अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम तारीख के सबक नंबर 4 भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स का मुताला करने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि फ़न की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है या इसकी बेसिक तारीफ क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, हर शख्स की फितरी ख्वाहिश होती है कि वह अपने तजुर्बात और इनसे हासिल शुदा इल्म ने अपने दिल जज्बात से दूसरों को बाखबर करे। इस फितरी जबलत की तहरीक से जब कोई हसीन शय वजूद में आती है तो इसको हम फन कहते हैं। असल में यानी क्या कि कोई भी शख्स वो जो महसूस करता है, वो जो फील करता है ना, जो उसकी सोच है, उसने जो जिंदगी बसर की, उसके जो तजुर्बात है ना, तो वो उसको जाहिर करना, उसका इजहार करना, उसकी जो सोच है उसको उसका इजहार करना, और इस इजहार से जो भी शय वजूद में आती है ना, इंसान चाहता है कि जो मैं महसूस करता हूँ दुनिया वालों को पता चले कि मैंने जो किया है या फिर मेरी जो जिंदगी की तजुर्बात है वो दुनिया वालों को पता चले। तो इंसान जब ये तजुर्बात जाहिर करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेता है और कुछ चीज़ बनाता है, और अगर वो उनके तजुर्बात और वो चीज़ अगर खूबसूरत हो, हसीन हो, तो उसे हम फन कहते हैं। अब तो मामला ऐसा है कि हर कोई इंसान सोचता है, हर किसी की कुछ ना कुछ सोच होती है, कुछ तजुर्बात होते हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ फिक्री होती है। तो ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो और कुछ भी बना लेंगे है ना, तो उसे हम फन कहेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो जो चीज़ आप बना रहे हो वो हसीन और खूबसूरत होना चाहिए। इंसान को पहली नज़र में भाना चाहिए, लगना चाहिए कि वाह क्या चीज़ है, क्या बात है, इस तरीके से। अच्छी तरह ये जो फन होता है, ये जो आर्ट्स होता है, या जो फनी तख्लीक होती है, इसके कुछ बुनियादी जुज़्व होते हैं, यानी इसकी कुछ चीज़ें होती है जिससे मिलकर ये बनता है। जैसे कि फनकार का तख़य्युल, एहसासात, जज्बात और फनी मारक है ना। अजी तलबा, अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है ना, आपने सोचा है, आपके तजुर्बात है, मगर आपके पास में अगर फनी महारत नहीं है, उसको जाहिर करने का जो इजहार करने का जो तरीका है अगर वो नहीं है, तो आप कर नहीं पाएंगे उसको है ना, वो इतना खूबसूरत या हसीन नहीं बन पाएगा। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं या फिर जुजू होते हैं। अजी तलबा, और फनून को दो अहम किस्मों में तकसीम किया गया है। बशरी फनून यानी विजुअल आर्ट्स, दूसरा है फनून लतीफ़ा यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स। अजीज़ तलबा, दोनों में फ़र्क क्या है? जो बसरी फ़नून होता है तो वो जो भी शह होती है वो एक जगह जमी हुई होती है, मतलब अगर उसको एक बार बना दिया जाए तो जैसे कि वैसी रहती है। और परफॉर्मिंग आर्ट मतलब जो कि जैसे कि जो इंसान डांस वगैरह करते हैं या फिर हम किसी के सामने कोई ड्रामा पेश करते हैं, मतलब वो चीज़ें जो चलती रहती है या जो हरकत में होती है उसे हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। और जो चीज़ एक जगह ही होती है जिसे एक बार तक बना दिया जाए वो वैसे ही रहती है, उसे हम विजुअल आर्ट्स कहते हैं। अजी तलबा, बसरी फ़नून का आगाज माकबले तारिक अहद में ही हो गया था, यानी कि 70 के ज़माने से ही हो गया था। अजी तलबा, जो बसरी फ़नून है इसके जो हमें सबूत मिलते हैं वो आज के वक्त में जो गारे हैं, अजंता एलोरा की गारे हैं, इनमें जो ये पत्थरों पे तस्वीरें बनी हुई हैं या जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बसरी फ़नून के ही सबूत हैं। और फ़नून लतीफ़ा, अजी तलबा, कदीम मिस्र दस्तावेज और बाकियात है उनको देख के पता चलता है कि जो फ़नून लतीफ़ा है ये भी बहुत माजी से, मतलब बहुत काफ़ी पुराने वक्त से दुनिया में मौजूद है। फ़नून लतीफ़ा को हरकी फ़नून भी कहा जाता है,